गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th की अकाउंट्स में आज अपन जो है जर्नल एंट्रीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। कल की जो क्लास मैंने आपके लिए थी, उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जर्नल एंट्रीज करने के जो मॉडर्न रूल्स हैं, मॉडर्न अप्रोच, वो किस तरीके से काम करती है। तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको पांच एलिमेंट्स के बारे में बताया था, ठीक है जी। पांच एलिमेंट्स, LIC लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया था LIC। और चौथा कंपोनेंट था असेट और पांचवा कंपोनेंट था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो LIC और AE, ये पांच एलिमेंट मैंने आपको बताए थे कि हमें मॉडर्न अप्रोच में काम आएंगे जर्नल एंट्री करने में। तो जी, जर्नल एंट्रीज अब अपन शुरू करते हैं इस मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले तो मॉडर्न अप्रोच के जो रूल है उसको अपन, जो अपन ने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, उसको साइड में लिख लेते हैं कि लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, ये जब भी बढ़ेंगे, ठीक है जी, तो ये होंगे क्रेडिट, और जब भी ये कम होंगे ये होंगे डेबिट, ठीक है जी। लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल, ठीक है जी, बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो डेबिट होंगे। दूसरा, एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और जब ये घटते हैं, कम होते हैं, तो क्रेडिट होते हैं। कुल मिलाकर के ये है असेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल के अपोजिट चलते हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज को आज। आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कैपिटल का। अब बात ये आएगी, सर कैपिटल तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कैपिटल के बारे में हमने पहले जानकारी ली है कि कैपिटल क्या होती है, ठीक है। बट आज हम उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जब कैपिटल बिजनेस में लगाई जाती है तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो बेटा, कैपिटल का एक बार फिर से मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं। कैपिटल का मतलब है बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस का जो मालिक है, उसने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ओनर की, बिजनेस का जो ओनर है और उसका जो बिजनेस है, इस ओनर ने अपने बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स किए। देखिए, आप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उसमें कुछ तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एसेट्स तो आपको उसके लिए लानी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो जी, पहली बात तो ये कि ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं अकाउंट्स में। आपको कल भी बताया था कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कहता है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं कि बिजनेस को हमें अलग मानना है और उसके मालिक को, उसके ओनर को हमें अलग मानना है अकाउंट्स में, ठीक है जी। हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास से क्या गया, हमें उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। ओनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाएगा उसे बोला जाएगा कैपिटल। ओनर बिजनेस में पैसा लगा सकता है, ओनर बिजनेस में असेट दे सकता है अपनी, ठीक है जी। तो जो भी चीजें वो बिजनेस में लगाएगा, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, मॉनेटरी मतलब मुद्रा मूल्य, पैसों में उसका जो मूल्य होगा, वैल्यू होगी, उसको अपन कंसोलिडेट करके, टोटल करके बताएंगे कि ये उसकी कैपिटल है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, ओनर ने बिजनेस में जो लगाया है उसे अपन क्या कहेंगे, कैपिटल। तो जिन बच्चों को कैपिटल का मीनिंग अभी तक नहीं समझ में आया था, हो सकता है अब समझ में आ गया हो। आपकी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल। तो बेटा, कैपिटल जो एक बिजनेस में लगाएगा बिजनेसमैन, वो किस तरीके से लगा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है जी। कैश के रूप में एक ओनर बिजनेस में पैसा लगा सकता है,
ठीक है जी। और क्या तरीके हैं जी पैसा लगाने के? पैसा बैंक के थ्रू भी तो लगा सकता है, चेक भी दे सकता है बिजनेस में, ठीक है जी। जरूरी थोड़ी है कि कैश ही लेकर के आए, बिजनेस में वो चेक के थ्रू भी पैसा लेके आ सकता है। उसके बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसा रखा हुआ है वो भी कह सकता है कि ये मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में लगा दिया, ये पैसा आज से मैं बिजनेस के काम में लूंगा। तो कैश लगा सकता है वो अपने बिजनेस में, चेक के थ्रू पैसा लगा सकता है अपने बिजनेस में, या किसी और असेट्स के फॉर्म में भी वो पैसा लगा सकता है अपने बिजनेस में। देखिए जी, पहले भी जब मैंने आपसे कैपिटल के बारे में चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि बेटा जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो पैसा लगा के करेगा क्या? पैसा लगा के वो असेट्स खरीदेगा। बिजनेस में आपने कैश लगाया, कैश लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा? असेट्स खरीदनी पड़ेगी। तो अगर उसके पास पहले से ही घर पे ऐसी असेट्स रखी हुई हैं जो कि उसके बिजनेस में काम आ सकती हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हम उन असेट्स को पहले खरीदें और फिर बिजनेस में लाएं। घर पे रखी हुई एसेट को भी तो बिजनेस में लगा सकते हैं, वो एसेट्स जो कि ओनर की खुद की हैं, ठीक है जी, समझ में आ रही है? ओनर की खुद की वो असेट्स जो कि उसके घर पर रखी हुई है वो भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। चलिए मान के चलिए मेरे इंस्टीट्यूट में अगर मुझे चेयर्स की जरूरत है तो मैंने देखा कि 10 चेयर मुझे और चाहिए और घर पर करीब 8 चेयर रखी हुई हैं जो यूजलेस हैं, काम नहीं आ रही है, तो घर पर रखी हुई 8 चेयर भी तो मैं अपने बिजनेस में ला सकता हूं। उन 8 चेयर की जो भी वैल्यू होगी, मान के चलिए 200 रुपए की एक चेयर है, तो 8 चेयर जो मैं अपने बिजनेस में ले आया अपने घर से, तो 1600 रुपए की कैपिटल एक तरीके से मैंने अपने बिजनेस में लगा दी, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लगाई जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बैंक, चेक के थ्रू भी लगाई जा सकती है, और इन द फॉर्म ऑफ अदर असेट्स। अदर असेट्स में मैंने कहा कोई भी असेट आप अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी कैपिटल का पार्ट बन जाएगी, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो, ठीक है। अब मान के चलिए बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो लोग अपने घरों में ही शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे मान के चलिए कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, या कोई डॉक्टर है, इन लोगों के ज्यादातर क्लिनिक ऑफिसेस तो इनके घर में ही होते हैं। और मान के चलिए कि किसी होलसेलर ने अपने घर का एक हिस्सा अपने बिजनेस का गोडाउन बना दिया, ठीक है जी। उसके घर की जो टोटल वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपए, उसके घर की टोटल वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, और उसने क्या किया, अपने घर का 50% हिस्सा अपने बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अपने घर का 50% हिस्सा अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, तो एक तरीके से उसने घर को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 50 लाख की कैपिटल एक तरीके से उसने लगा दी, क्योंकि घर की वैल्यू है 1 करोड़ और आधी बिल्डिंग वो यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। तो कोई भी बिजनेसमैन कैपिटल के रूप में बिल्डिंग भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, उस बिल्डिंग को भी यूज कर सकता है। अदर असेट्स में व्हीकल्स की भी बात आती है। भाई मान के चलिए कि अब तक आपके पास एक पर्सनल कार थी, आप जॉब करते थे, आपके पास एक पर्सनल कार थी, बट अब आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बिजनेस शुरू किया और जो आपकी पर्सनल कार थी अब आप अपने बिजनेस में कहीं भी आने के लिए जाने के लिए यूज करते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए जब आप जाते हैं तो अपनी कार का आप यूज करते हैं। तो वो कार जो आपकी पर्सनल कार हुआ करती थी आपने एक तरीके से बिजनेस में लगा दी, अब तो उस कार की जो वैल्यू है वो आपकी कैपिटल बन जाएगी आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि आपने बिजनेस को दिया है। ओनर बिजनेस में जो कुछ भी लगाएगा उसे अपन कैपिटल कहेंगे। तो बेटा बिल्डिंग लगा सकता है अपनी, व्हीकल लगा सकता है, घर पे रखा हुआ फर्नीचर दे सकता है, या घर पे कोई ऐसी चीज रखी है जो कि उसके काम आ सकती है, ठीक है, जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है एज अ स्टॉक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सेकेंड हैंड कार का या सेकेंड हैंड बाइक का आपने बिजनेस सुना होगा, ठीक है जी। अलवर में भी है, खैरतल में भी है, इस खैरतल में स्टेशन रोड पे पुरानी मोटरसाइकिल खरीदो बेचो, इस तरह के बिजनेसेस भी चलते हैं। अब बेटे जो लोग पुराने व्हीकल्स को खरीदते और बेचते हैं उनके बिजनेस में स्टॉक क्या है, वो किस चीज की ट्रेडिंग करते हैं, किस चीज को खरीदते बेचते हैं, व्हीकल्स को, ठीक है जी, मोटरसाइकिल को, कार को, तो वो चीज उनके लिए स्टॉक भी तो है,
ठीक है, वो उनका स्टॉक है, जिस चीज में हम डील करते हैं वो गुड्स, ठीक है। तो अगर मान के चलिए मोटरसाइकिल की खरीद बेच का बिजनेस शुरू किया किसी ने और उसके घर पर दो पुरानी मोटरसाइकिल हैं, वो अपने बिजनेस में ले आया बेचने के लिए, तो एक तरीके से स्टॉक भी तो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने बिजनेस में, ठीक है जी। घर पे रखी हुई दो पुरानी मोटरसाइकिल ले आया अपने बिजनेस में कि मैं पुरानी मोटरसाइकिल को खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहा हूं, तो इनको भी एज ए स्टॉक ले आता हूं, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक बिजनेस में बिजनेसमैन ओनर कैपिटल कैसे कैसे लगा सकता है, कैश के फॉर्म में, चेक से बैंक के थ्रू लगा सकता है, और किसी भी अदर एसेट्स लाइक बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक, जो भी उसका पर्सनल था जो उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, वो सब उसकी कैपिटल बन जाएगी। भाई ओनर को पता तो होना चाहिए ना कि बिजनेस को मैं क्या कुछ दे रहा हूं। जब अकाउंट्स में हम दोनों अलग अलग हैं, ओनर अलग है बिजनेस अलग है, तो ओनर ये जानना चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रहा हूं, कि बिजनेस की एसेट्स पे मेरा कितना क्लेम है, जितना दूंगा उतना ही तो मांगने का हक रखता हूं। समझ गए बेटा बात को? तो कैपिटल कितनी है ये पता लगाने के लिए हम इन सब का टोटल कर देंगे। चलिए तो बात ये क्लियर हुई कि एक बिजनेसमैन किस किस तरीके से अपने बिजनेस में कैपिटल लगा सकता है। कैपिटल का मतलब समझ गए, जो भी उसने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, चाहे कैश, चेक या अदर एसेट्स के फॉर्म में, उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू का टोटल। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है मुद्रा मूल्य, आप उनका पैसों में टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, करेंसी में टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, वो उसकी कैपिटल हो जाएगी। चलिए जी अब बात आती है जर्नल के फॉर्मेट की। तो मैं जर्नल एंट्रीज शुरू करूं उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। जर्नल एंट्रीज करने का फॉर्मेट अपना ये होगा, सबसे पहले डेट का कॉलम। डेट का कॉलम में आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया, जिस दिन आपने लेन देन किया, आपने माल खरीदा, गुड्स परचेज किए, गुड्स सेल आउट किए, कोई एसेट खरीदी, कोई लायबिलिटी रीपे की, जो भी काम जिस दिन हुआ उस दिन की डेट आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है। ये सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसकी जर्नल एंट्री यहां बनेगी। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा आपको। फिर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेटा एक तरीके का एक रेफरेंस नंबर है, ठीक है, आगे चल के लेजर बनाएंगे जब आप सीखेंगे तो आप अभी इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, ये रेफरेंस नंबर है और इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जैसे आप अपनी बुक का जो इंडेक्स देखते हैं ना कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है, ये इंडेक्स के काम आता है एक तरीके से, तो अभी आप इसको इग्नोर कीजिए। इधर डेबिट साइड है, डेबिट साइड का मतलब डेबिट का अमाउंट, और क्रेडिट साइड मतलब उसका ट्रांजेक्शन का क्रेडिट का अमाउंट, दोनों ही बराबर होते हैं, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, ठीक है जी, हमेशा दोनों साइड जो है वो बराबर ही रहती हैं। चलिए जी शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल। चलिए जी सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, अकाउंटेंसी तो बेटा इसी तरीके से चलेगी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं आती है अकाउंट्स में, कि मैं इसको बोलूंगा कैश को मैं नगद ही बोलूं, बैंक को ही बोलूंगा, इसको बिल्डिंग को भवन बोलूं, ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन, बट आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, और अकाउंट्स का तो पेपर बेटा इंग्लिश में ही होगा आपका पूरा, आपको मतलब ये समझ लीजिए कि इंग्लिश के बिना आप अकाउंट्स में काम नहीं कर पाएंगे। जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होगी, जो थियोरेटिकल बातें होंगी, मैं पहले बता चुका हूं मैं हिंदी मीडियम को अलग से दूंगा, बट बाकी सारी चीजें आपको दोनों को कंबाइंड ही समझनी पड़ेंगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आज ये लिखेंगे कैपिटल है, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल। फिर आप ये बताएंगे कैपिटल कैसे कैसे लगाई जा सकती है, उसके बाद आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है जी। फॉर्मेट बनाने के बाद जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो आप इसको करेंगे, तो मैं आपके सामने फॉर्मेट आप बना लीजिएगा बेटा, वीडियो को पॉज करके मैं आपकी चर्चा करता हूँ। सॉरी एक काम करता हूँ, पहले मैं इस फॉर्मेट में आपको एक ट्रांजेक्शन करके बता देता हूँ। मैं हर जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है जी, और हर बार बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपकी जैसी आदत आप काम करते समय करते हैं वही आपकी एग्जाम में आदत रह जाएगी, और एग्जाम में फॉर्मेट के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए बेटा शुरू कर लेते हैं, यहां से मैं यहां लिख लेता हूं अभी। नंबर वन, मिस्टर लक्ष्य
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। मिस्टर लक्ष्य ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश लगा करके बिजनेस शुरू किया। ठीक है जी, हिंदी में बोलेंगे, मिस्टर लक्ष्य ने 5 लाख रुपए की पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। तो भाई अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में ही लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, मिस्टर लक्ष्य ने 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। इंग्लिश में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है कि इसमें जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू 5 लाख रुपए। अब हमने ये एंट्री बना दी, रीजन क्या रहा इसका? रीजन देखो, बिजनेस में क्या आया? कैश आया। हमें बिजनेस के नजरिए से एंट्री करनी है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। ठीक है, हमें सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के नजरिए से सोच के करने हैं। बिजनेस में बेटा क्या आया? कैश। और कैश क्या है? एक असेट है। कैश बिजनेस के लिए क्या है? एक असेट है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि फ्यूचर में बिजनेस को इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। कैश से क्या होगा? स्टॉक खरीदेंगे, स्टॉक को फिर बेचेंगे, बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो कैश को बिजनेस अपने मन मुताबिक यूज कर सकता है। तो कैश क्या है? बिजनेस के लिए एक असेट है। ठीक है जी, कैश बिजनेस के लिए क्या है? एक असेट है। और ये असेट बिजनेस में बढ़ रही है, कैश आया है तो कैश बढ़ा होगा बिजनेस में। तो ये बिजनेस में असेट जो है वो बढ़ रही है, और असेट्स बढ़ती हैं तो क्या होता है? डेबिट। ठीक है जी, असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है? कैपिटल। देखिए जर्नल एंट्री में सबसे पहले आपको दोनों कंपोनेंट्स का पता करना पड़ेगा कि आया क्या और गया क्या। बिजनेस में कैश आया, ठीक है, अगर कुछ गया नहीं है तो देखो देने वाला कौन है। ठीक है, आया गया नहीं है तो ये देखो कि बिजनेस में अगर कुछ आया है तो देने वाला कौन है? देने वाला ओनर है, और ओनर जब पैसा देता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया अपना कैपिटल। और कैपिटल के बारे में, एलआईसी कैपिटल के बारे में क्या कहा गया है? कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है जी, तो बेटा उम्मीद है रीजन समझ में आ रहा होगा। कैश आया, ठीक है, गया कुछ नहीं तो देखो देने वाला कौन है। देने वाला अगर ओनर है तो वो जो कुछ भी देता है उसे अपन कैपिटल कहते हैं। तो देखो कैश आया, कैश है हमारी असेट, असेट बढ़ रही है तो होगी डेबिट। कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में बढ़ रही है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री बन गई अपनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को आपको प्रोफॉर्मा में किस तरीके से करना है इसको ध्यान दीजिए। इस एंट्री को प्रोफॉर्मा में करेंगे, डेट आप डाल लेंगे जो भी डेट होगी। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, पहला कंपोनेंट डेबिट वाला पार्ट अपन ने ऐसे लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, और उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे कितना जी? 5 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। दूसरा जो क्रेडिट पार्ट है उसको टू से लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में लिखेंगे 5 लाख रुपए उसके सामने। तो जर्नल एंट्री बेटा किस तरीके से बनी देख लिया आपने, किस तरीके से प्रोफॉर्मा में वो नोट की जाएगी वो आपने देख लिया। आपको जो भी एंट्री करनी है छोटी छोटी सी लाइन बना बना करके आप इस एंट्री को ऐसे करेंगे हर ट्रांजेक्शन के बाद की एंट्री को। ठीक है,
ठीक है, जब तक बड़े क्वेश्चंस नहीं आ जाते तब तक आप छोटे छोटे लाइन बना के हर एंट्री को इसी तरीके से करेंगे प्रोफॉर्मा में। ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं ये सारी बातें, तो मुझे कोई पेपर देने नहीं जाना है, पेपर देने आपको जाना है। तो चलिए, मिस्टर लक्ष्य स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख, किस तरीके से एंट्री हुई आपके सामने है। ठीक है जी, अब रीजन जो है इसका मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, मैं आपकी सारी एंट्री यहीं कर दूंगा। चलिए, पहली एंट्री तो ये हुई थी अपनी। रीजन, रीजन अगर आपकी कॉपी में साइड में जगह ना हो तो आप रीजन हर एंट्री के नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन लिख सकते हैं। इसमें कैश जो है वो एक असेट है और वो बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। कैश असेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और दूसरी चीज है कैपिटल एक कैपिटल तो अलग कॉम्पोनेंट है ही, बढ़ रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। ये अपना रीजन इसका हो गया। चलिए जी, अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखो। पहला ट्रांजेक्शन ये है और उसकी जर्नल एंट्री ये है। तो ट्रांजेक्शन मैं यहां लिख रहा हूं और उसकी जर्नल एंट्री मैं यहां पर कर दूंगा। आप चाहें तो सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ लिख करके एक साथ इनकी जर्नल एंट्री एक के नीचे एक बना सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा रीजन या तो यहां लिख लीजिएगा या एंट्री के नीचे यहां पर आप लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर, कैश तो लगा दिया बिजनेस में, अब हो सकता है कि बिजनेस में उसे और पैसे की जरूरत पड़े और वो और पैसा भी बिजनेस में एडिशनल कैपिटल के तौर पर लगा दे। ठीक है, देखो कैपिटल लग गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब कभी फ्यूचर में कैपिटल लगा ही नहीं सकता, वो फ्यूचर में और कैपिटल लगा सकता है, तो उसको कैपिटल को बोलेंगे अपन एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल लगाई है थ्रू चेक, उसने बिजनेस में एक चेक लगा दिया मान के चलिए 3 लाख रुपए का, और 3 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है। ठीक है, लिखते हैं ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख थ्रू चेक। ठीक है जी, अब आप सुनिए, उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 3 लाख की थ्रू चेक। अब आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं, उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई 3 लाख रुपए। अतिरिक्त का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल लगाई 3 लाख रुपए चेक के माध्यम से। ठीक है जी, 3 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई चेक के माध्यम से, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में ऐसे लिख सकते हो। चलिए जी, तो अब हमें यहां पर यह ध्यान देना है कि बिजनेस में क्या आया। देखो, बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा है। बेटा एक बात सोच के देखो, बैंक में रखा हुआ पैसा और आपकी जेब में रखा हुआ पैसा दोनों है तो आपके, बस एक आपके पास प्योर कैश फॉर्म में है, एक को जाकर के बैंक से लाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आजकल तो आप जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम देखते हैं तो उसमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप थ्रू फोन भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, बट बैंक में रखा हुआ पैसा है तो हमारा। तो बिजनेस के नजरिए से सोचो, बिजनेस को 3 लाख रुपए और मिल गए उसके बैंक अकाउंट में तो उसकी एसेट बढ़ गई। बैंक में रखा हुआ पैसा अगर पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या है वो उसकी असेट है। देखो, बैंक में नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब आपका बैंक में मिनिमम बैलेंस था और बैंक ने चार्जेस लगाए, ठीक है, अपने जो भी ATM चार्जेस है, SMS चार्जेस लगाए, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं था तो वो पैसा बैंक ने चार्ज किया तो वो माइनस में चला गया। माइनस का मतलब है आप बैंक में पैसा जैसे ही जमा कराओगे तो बैंक पहले वो पुराना पैसा काटेगा,
ठीक है, और फिर आपका जो भी बाकी पैसा होगा वो शो होगा। जैसे मान के चलिए बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस है 2,02,000 रुपए का, तो जैसे ही आप बैंक में 5,000 रुपए जमा कराएंगे तो पहले तो बैंक अपने 2,000 रुपए काटेगा जो पुराने, और फिर 3,000 रुपए आपके रिफ्लेक्ट होंगे एज अ पॉजिटिव बैलेंस। तो जो पॉजिटिव बैलेंस है ना बैंक में हमारा, वो हमारी असेट है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए 3,00,000 रुपए क्या है, असेट है। 3,00,000 रुपए आ गए, किसने दिए? अगर कुछ नहीं आ रहा है और कुछ जा नहीं रहा तो देखो देने वाला कौन है, देने वाला ओनर है। तो ओनर जब भी देता है तो क्या कहते हैं उसे, कैपिटल। तो देखो यहां पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट किस बात का पैसा, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, कितना आया है 3,00,000 रुपए। ठीक है जी, आपके चक्कर में मैं भी सारी एंट्रीज परफॉर्मा में ही कर रहा हूं। ठीक है जी, अभी आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं तो किसी तरह का रिस्क नहीं लेते। ठीक है जी, तो देखो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। ठीक है जी, रीजन देखो, रीजन क्या बढ़ा है, बैंक, और बैंक बैलेंस हमारी एसेट है क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस बढ़ रहा है, असेट बढ़ती है तो हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, बैंक में रखा हुआ बैलेंस अगर हमारा बढ़ता है तो क्या कहलाते हैं उसे, कहते हैं उसे डेबिट। ठीक है, दूसरी चीज क्या बढ़ रही है, कैपिटल, कैपिटल सी बढ़ रही है तो क्रेडिट। ठीक है जी, रीजन उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हैं, बस अपना वही ध्यान रखो, LIC और AE, लायबिलिटी इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, ये तीनों चीजें बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। असेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। ठीक है जी, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, दो ट्रांजेक्शन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तीसरी बात करते हैं कि इन सभी में से मान के चलिए उसने फर्नीचर इंट्रोड्यूस कर दिया अपने बिजनेस में। ठीक है जी, He introduced his personal furniture into his business, जिसकी वैल्यू है ₹50,000। ठीक है जी, उसने अपना निजी फर्नीचर व्यापार में लगाया, उसने अपना निजी फर्नीचर व्यापार में लगाया, हिंदी में लिख सकते हैं वैसे, कितने का, 50,000 रुपए का। ठीक है जी, मॉनेटरी वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू को हम पैसे में माप सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कितने का लगाया है, 50,000 रुपए का फर्नीचर। अब आप सोचो रीजन, रीजन देखते हैं अपने तीसरे ट्रांजेक्शन का कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आया फर्नीचर, फर्नीचर क्या बिजनेस के लिए असेट है। देखो जी, बिजनेस में आया हुआ फर्नीचर बिजनेस के लिए असेट है, कैसे, देखिए जब हमारे कस्टमर्स आएंगे बिजनेस में, हमारे क्लाइंट्स हमसे मिलने आएंगे तो हम उनको से खड़े खड़े थोड़ी बात करेंगे, उनको प्रॉपर बैठने की जगह चाहिए। ठीक है जी, आप अपने स्कूल को ही देख लीजिए, स्कूल में अगर फर्नीचर ना हो तो कहाँ बच्चे आएंगे, कहाँ बैठेंगे। तो वो फर्नीचर को देख करके बच्चा सोचता है कि हाँ मुझे यहाँ पर आरामदायक जगह है बैठने के लिए, इसके लिए मैं पैसा इसको दूंगा। गवर्नमेंट स्कूल कई ऐसे हैं जहां पर बैठने की भी प्रॉपर जगह नहीं होती है, दरियों पर बिठाया जाता है, तो वहां पर बच्चा क्यों नहीं जा रहा, कि भाई प्रॉपर जो माहौल चाहिए पढ़ाई के लिए वो नहीं है, बेचारा परेशान होगा बैठे बैठे, उससे लिखा नहीं जाएगा, गर्मी लगेगी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सभी चीज़ों का फायदा लेने के लिए वो एक प्राइवेट स्कूल में है जहाँ फर्नीचर है, डक्टिंग सिस्टम है,
प्रॉपर उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल हैं, वाटर कूलर है, तो ये सारी चीजें क्या है आपके बिजनेस की इनकम को बढ़ाने में मदद करती हैं। जितनी भी एसेट्स होती है ना वो एक तरह का इकोनॉमिक रिसोर्स है जो आपकी इनकम को या प्रॉफिट को फ्यूचर में बढ़ाएगा। तो फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है जो कि फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है जी। फर्नीचर एसेट है, बिजनेस में आया है, एसेट बढ़ रही है तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है जी। और देने वाला कौन है, ठीक है फर्नीचर आया बदले में हमने कुछ दिया तो है नहीं, पर देखो देने वाला कौन है, हमारे बिजनेस से तो कुछ नहीं गया पर बिजनेस को किसने दिया है, ओनर ने। और ओनर जब भी कुछ देता है तो वो बन जाती है बिजनेस के लिए ओनर की कैपिटल। और कैपिटल जब भी बढ़ेगी होगी क्रेडिट। तो जी बन गई अपनी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने का फर्नीचर है, 50,000 रुपीज का। ठीक है जी, 50,000 रुपए का फर्नीचर बिजनेस में लगाया और एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जिस तरीके से मैं प्रोफॉर्मा बना के एंट्रियां कर रहा हूं उसी तरह आपको करनी है। डेबिट की एंट्री बिल्कुल लेफ्ट से शुरू कीजिए, क्रेडिट की एंट्री थोड़ा सा स्पेस देकर के आपको शुरू करनी है, ठीक है जी। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 5 लाख और 5 लाख ऐसे लिख दें, आपको क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने ही लिखना है। और ये रीजन जो है ये एडिशनल है, ठीक है। ये रीजन का जो कॉलम है ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, मैंने कहा आप चाहो तो रीजन यहां लिख सकते हो या रीजन एंट्री के नीचे भी लिख सकते हो, हर एंट्री के नीचे। अब एक और बात कर लेते हैं, फर्नीचर के बाद मान लेते हैं उसने बिल्डिंग भी अपने बिजनेस के लिए लगा दी, ठीक है जी। ही यूजेस हिज बिल्डिंग वर्थ ₹10 lakh, uses his building worth ₹10 lakh for his business, ठीक है जी। उसने अपनी बिल्डिंग को अपने व्यापार के प्रयोग में लिया, ठीक है। कितने की बिल्डिंग है, 10 लाख रुपए। अपनी बिल्डिंग को, अपने भवन को व्यापारिक उपयोग में इस्तेमाल किया, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है। अब यहां पर ये मत सोचना कि सिर्फ 50% यूज कर रहा है, जितना